तो वहीं लेखानुदान के दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष किसी क्लास मॉनिटर की तरह विपक्ष को लगातार शांत करवाते दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। घंटे से कार्रवाई चालू नहीं हुई अध्यक्ष मोदी, कार्रवाई होनी। आप प्रशासन कहता है तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा की हैं, जहां लेखानुदान पेश होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था और स्पीकर ने विधायक को शांत कराकर विधानसभा की कार्यवाही को शुरू करवाया। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण में गहलोत सरकार पर ज्यादा कर्ज लेने और विकास में खर्च नहीं करने की बात कही, तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वही दूसरी ओर भ्रष्टाचार लच्चर कानून व्यवस्था। इधर वित्त मंत्री लेखानुदान पेश कर रही थी, वहीं विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। दिया कुमारी ने जैसे ही जल जीवन मिशन पर गड़बड़ी का जिक्र किया तो विपक्ष ने टोका टप्पड़ी करना शुरू कर दिया, जिस पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जताई। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर आप पढ़िए माननीय सर। अब हम विपक्ष के हंगामे को बढ़ता देख मुख्यमंत्री भजन लाल को कमान संभालनी पड़ी। आग्रह करना चाहता हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा आपको लगना चाहिए। और अरे सुनिए, आपको अरे नेता, आपको ये दिक्कत बोल रहा है, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, बैठिए, कृपया बैठिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोले देखना चाहिए। देखिए, ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपनी बात रखी तो तुरंत ही विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जवाबी हमला भी किया। बात एक महिला की नहीं है, पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे, आप बजट पढ़ रही हैं। बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट बोलिए, आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए। आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते। हंगामे के बीच लेखानुदान में वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार का भावी रोड मैप पेश किया, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो आखिरकार भजनलाल सरकार के पहले बजट पर प्रदेश का युवा वर्ग क्या सोचता है? बजट में जो घोषणाएं की गई उनको युवा कैसे देख पा रहे हैं? बजट पर हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने युवाओं से खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना पहला बजट पेश कर दिया और इस बजट में मोटे तौर पर यंगस्टर्स को खुश करने की कोशिश की गई, युवाओं को तरजीह इस पूरे बजट के अंदर दी। और फिलहाल इस बजट पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम कोटा के स्टूडेंट, कोटा के युवाओं के साथ में ही हैं। कोटा के राजकीय महाविद्यालय से ये आप यंगस्टर्स की टीम देख सकते हैं, जो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि इनका मानना है कि यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ इस बजट से निकल करके आया। क्या लगता है, क्या आया, कितनी उम्मीदें थी, जितनी उम्मीदें थी पूरी हुई? सर्वप्रथम तो राजस्थान में नई सरकार बनी है, इससे सभी युवाओं को खुशी भी है, क्योंकि जो पुरानी सरकार थी वो युवाओं के बेरोजगारी के विषय पर भी काम नहीं कर पाई, महिला उत्पीड़न पे भी काम नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो युवाओं और छात्राओं को ये उम्मीद है
कि अब जो नई सरकार बनी है वो फुल एक्शन मोड में है, तो वो युवाओं के लिए, युवाओं की बेरोजगारी जो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसको कम करेंगी, युवाओं के लिए अधिकतर रोजगार के मौके वो लाएंगी और महिला सुरक्षा पर काम करेंगी। इसके अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो बजट का हिस्सा है उसमें से 10% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया जाए, खर्च किया जाए। और क्योंकि शिक्षा अभी हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमियां थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो ये इस सरकार से हमारी यह उम्मीदें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 10% हिस्सा वो दें। तो आपको क्या लगता है, क्या मिला, उम्मीदें पूरी हुई? जैसा कि राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी तो हमेशा बोला जाता था कि हाँ जो सरकार है वो युवाओं पर कार्य करेगी, लेकिन राजस्थान सरकार में भाजपा आते ही ये तय हो गया कि हाँ युवाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से 70,000 भर्तियां निकाली गई, RPSC RSSB के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, उसी तरह देखा जा रहा है कि युवाओं को अब आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। तो वहीं भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में ट्रांसफर से रोक हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 10 से 20 फरवरी तक प्रतिबंध हटाया गया है। इस दौरान समस्त निगमों, मंडलों, बोर्डों, स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी यह आदेश लागू होगा। तो लगातार नई सरकार बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही ट्रांसफर से रोक हटेगी, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि राजस्थान में ट्रांसफर से रोक हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। अब जो रुके हुए तबादले थे वो हो पाएंगे, 10 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध नहीं होगा, ट्रांसफर हो पाएंगे सभी विभागों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनराज सोलंकी सीएम भजनलाल शर्मा के नए मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं। इस बारे में प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। धनराज सोलंकी भाजपा राजस्थान के प्रदेश आईटी संयोजक हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो वहीं बाड़ी थाने में बुधवार देर रात को जमकर हंगामा हुआ। एक पिता पुत्र को थाने लाकर के पुलिस ने पाबंद करवा दिया। पिता पुत्र ने थाने में मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी और RSS से जुड़े कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। इसके बाद SP भी मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी को निलंबित किया गया। मामले के मुताबिक दादाबाड़ी निवासी बाबूलाल सुमन के बेटे की सगाई का कार्यक्रम था, जिसके लिए घर के बाहर टेंट लगाया गया था। इसी बात को लेकर थानाधिकारी ने कार्रवाई की। बाबूलाल सुमन और उनके बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। हमारे घर पे क्या, पापा को और भैया को ऐसे घर पे प्रोग्राम था लगन का, मेरे खुद का ही था, तो हम तो ऊपर खाना खा रहे थे और नीचे टेंट वगैरह का कुछ इशू हो गया था, तो उनको और भैया को और पापा को पुलिस वाले ज़बरदस्ती करके थाने में ले गए, जबकि टेंट हटने वाला था। तो ये सब हमको पता नहीं था। ये भी हमारे को तीसरे व्यक्ति से पता चला कि हमारे घर के सदस्यों को कोई पुलिस वाले लेके गए। फिर हम दौड़ भाग के यहाँ पे आए और हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे साथ भी 20-25 लोगों ने यहाँ पे थाने में मारपीट करी। वहीं प्रतापगढ़ में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 स्थानों पर की गई। भूमाफियाओं की ओर से कई स्थानों पर चारागाह और नगर परिषद की भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण हो रखा था। कई स्थानों पर तो नगर परिषद के फर्जी पट्टे जारी कर पक्के निर्माण भी किए गए। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के इस मामले को उठाने के बाद भूमाफियाओं में खलबली मच गई। इसके बाद नगर परिषद भी अब हरकत में आ गई। इसी को लेकर नगर परिषद के दस्ते की ओर से आयुक्त जितेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।